अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आर्ट गैलरी मीना रोड पर, जहां पर एनएचए की तरफ से एक बेहतरीन काम का इनका किया गया, एक कॉन्फ्रेंस जो कि पहले हादसा रोकथाम के लिए हुआ है। तो इस हवाले से बात करते हैं एनएचए के डीआईजी साहब से। जी, मैं ऋषिया चक्रम, मैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वेस्ट जोन कमांडर डीआईजी हूँ। तो आज हमारा यहाँ पे जो इनकार किया है वो रोड सेफ्टी आगाही मुहिम है। ये हर जगह पे हर इंस्टीट्यूशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयटा, बलोचिस्तान, जहाँ कहीं इवन जॉब से हमने स्टार्ट किया, हमने हब गवादर को टारगेट किया, जहाँ कहीं हमने गए, हमारा एक ही मैसेज है, वो सिर्फ ये है कि अगर रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। हमारा कोशिश ही है, हमारी जितने एफर्ट्स हम ईमानदारी से ले रहे हैं, आगाही मुहिम में लोगों को हम जितना एक नॉलेज दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अडॉप्ट करेंगे तो एक्सीडेंट के रेशो कम हो जाएगा। और इतना हाइएस्ट फिगर जो टेंथ टॉप बलोचिस्तान में है, मेरे ख्याल में दुनिया किसी कोने में नहीं। थैंक यू सो मच। आज का नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस तो इसी एक्टिव होके इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदारजीबल पहुंचा रहे। अजहर अहमद ने आपको जैसे एक छोटी सी ब्रीफिंग दी है, आपको सुकरात की एक बात बताऊं, उन्होंने जब लोगों ने उनको कहा कि आप इस इग्नोरेंट सोसाइटी को कितना देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को फुटपाथ ना मिले तो आप ट्रैफिक के गाड़ी कोई हादसे का शिकार हो।